हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जावा में यूजर से डेटा रीड करना सिखाने वाला हूँ। यूजर मीन्स हम लोग कीबोर्ड से डेटा रीड करने वाले। जावा में कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट ऑप्शन स्कैनर क्लास यूज करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को स्कैनर क्लास यूज कर नॉर्मल डेटा टाइप का डेटा रीड करना बताने वाला हूँ। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, बुलियन डेटा हम लोग रीड करेंगे। इसके बाद हम लोग अरे ऑफ इंटीजर्स डेटा रीड करेंगे, उसके अंदर में फिर हम लोग टोटल या फिर एवरेज निकाल लेंगे, सॉर्टिंग करके देख लेंगे। एंड लास्ट में या तो स्टूडेंट क्लास या फिर एम्प्लॉय क्लास का एग्जाम्पल लेंगे, उनके मेंबर्स रीड करेंगे। मेंबर्स को रीड करने के लिए स्कैनर क्लास तो हम यूज करने ही वाले हैं। टेक्निक में हम लोग या तो एक्सेप्ट मेथड लिखेंगे या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा पास करेंगे या फिर सेटर्स के थ्रू डेटा पास करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट ओपन टर्मिनल, शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट टी, विंडो को जूम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। मैंने लास्ट टाइम जावा 2020 फोल्डर क्रिएट किया है, सो उसके अंदर मैं एंट्री करने के लिए सीडी कमांड एंड यूजिंग बेसिक टेक्स्ट एडिटर जी एडिट। सपोज नेम ऑफ फाइल इज माई इनपुट डॉट जावा। मैंने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट किया, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। लेट्स क्रिएट वन क्लास। सपोज नेम ऑफ क्लास इज माई इनपुट, मेन मेथड सिग्नेचर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग एआरजीएस ब्रैकेट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सी एंड सी प्लस प्लस का एग्जांपल देता हूं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर में डेटा रीड करने के लिए हमने स्कैनिंग फंक्शन का यूज किया था। स्कैनिंग फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिखना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को stdio डॉट h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि स्कैनिंग फंक्शन वो हमारी फंक्शन नहीं है, वो एक रेडीमेड फंक्शन है जिसका डेफिनेशन stdio डॉट h हेडर फाइल के अंदर में मिलेगा, मतलब हम लोग उसका पाथ बता रहे हैं। फिर कंपाइलर उस हेडर फाइल के अंदर में जाता है और उसको स्कैनिंग फंक्शन मिल जाता है। ये प्रोसेस है। एज इट इज सी प्लस प्लस के अंदर में हमने सीन ऑब्जेक्ट यूज किया था, वो एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट था। सीन ऑब्जेक्ट आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है जो कि iostream.h हेडर फाइल के अंदर में मिलेगा। एज इट इज हम लोगों को वही हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। इट मीन्स हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं कि सीन ऑब्जेक्ट आपको iostream.h हेडर फाइल के अंदर में मिल जाएगा। एज इट इज जावा के अंदर में हम लोग कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए हम स्कैनर क्लास को यूज करने वाले हैं। एंड स्कैनर क्लास वो हमारा खुद का क्लास नहीं है, वो भी एक रेडीमेड क्लास है। एंड वो क्लास जावा के अंदर में कोई हेडर फाइल कंसेप्ट नहीं है, वो क्लास जावा के एक पैकेज के अंदर में, मींस एक फोल्डर के अंदर में, तो हमको उसका पाथ लिखना पड़ेगा। उस पाथ को लिखने के लिए जावा में एक स्टेटमेंट आता है, दैट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट कीवर्ड को यूज कर हम लोग उस पाथ को लिखने वाले हैं। सो पाथ होता है जावा डॉट नेम ऑफ पैकेज यूटिल, एंड हमको यूज करना है स्कैनर क्लास। सो जस्ट स्कैनर क्लास देन सेमी कोलन। इट मीन्स ये लाइन क्या करने वाली है, इट टेल्स कंपाइलर दैट स्कैनर क्लास इज इनसाइड यूटिल पैकेज। सो कंपाइलर वहां पर जाएगा, उसको स्कैनर क्लास मिलेगा, हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया, एक शॉर्टकट ऑप्शन है, बट अगर हम लोग यही एग्जांपल अगर लेंगे एंड आपने अगर इंपोर्ट नहीं लिया तो एरर आ जाएगा, cannot find symbol। Java compiler confused हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि scanner word क्या होता है। Then, so हम लोगों ने Java को बता दिया scanner एक class है जो कि util package के अंदर में मिलेगा। So just उस class को use करना है। किसी भी class को use करने के लिए अगर उसके अंदर में सारे methods अगर non-static है तो हमको उस class का object create करना पड़ेगा। Object create करने के लिए just class name, object name equals to न्यू एंड अगेन क्लास नेम। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स ऐसा ही है। अब डेटा रीड करना है। डेटा रीड करने के लिए देखो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। हम कीबोर्ड से डेटा रीड कर सकते हैं, एक फाइल से हम डेटा रीड कर सकते हैं, या फिर अगर बफर के अंदर में डेटा स्टोर है हम वहां से भी डेटा रीड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से आज हम लोग कीबोर्ड से डेटा रीड करने वाले हैं। सो कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा के पास में वर्ड है सिस्टम डॉट इन, जैसे मॉनिटर के लिए सिस्टम डॉट आउट, एज इट इज कीबोर्ड के लिए सिस्टम डॉट इन।
हमको पैरेंथेसिस में डेटा का सोर्स बताना पड़ेगा. हमने डेटा का सोर्स बता दिया, हमको कीबोर्ड से डेटा रीड करना है. एंड हम लोग सबसे पहले वेरियस डेटा टाइप के डेटा रीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर रीड कर लेंगे, चलो फ्लोट ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, डबल या फिर बुलियन, सबके डेटा हम लोग रीड करके देखेंगे. अब स्कैनर क्लास के अंदर में देखो, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, यहाँ पर जावा ने ऐसा लिखा होगा क्लास नेम स्कैनर. एंड इस क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं एक चार पांच एग्जांपल बता रहा हूँ. जावा ने यहाँ पर एक मेथड लिखा है नेक्स्ट इंट, मेथड नेम कैमल केस याद होना चाहिए. एंड इसका रिटर्न डेटा टाइप है इंट. ये मेथड क्या करेगी, आप लोगों को इंटीजर नंबर कीबोर्ड से रीड करके रिटर्न करके देने वाली है. एंड इसके पीछे कोई स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक मेथड है. सो हमको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड उस ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करना पड़ेगा. सो हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है टेस्ट. चलो इस मेथड को मैं कॉल करके दिखाता हूँ. जस्ट क्या लिखना है, एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ. देखो यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट, दैट मीन्स मॉनिटर. मॉनिटर में हम लोग एक लाइन प्रिंट करने वाले हैं. प्रिंट कर देते एंटर अ नंबर एंड स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने लिखा एस, एस डॉट नेक्स्ट इंट. सो जस्ट ये एक इंटीजर नंबर रीड करेगा एंड हम लोग उसको ए में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको प्रिंट कर लेंगे. एज इट इज जावा के पास में स्कैनर क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड है पब्लिक फ्लोट नेक्स्ट फ्लोट. आपको समझ गया होगा ये नेक्स्ट फ्लोट क्या करेगी, ये एक फ्लोट नंबर रीड करके रिटर्न करके देने वाली है. इसीलिए इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या है, फ्लोट. एंड ऑल मेथड्स आर पब्लिक, इट मीन्स वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. अनदर मेथड स्ट्रिंग के लिए जावा के पास में ओनली मेथड नेम है नेक्स्ट. देन सो इससे हम लोग एक स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं. डबल के लिए चलो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं नेक्स्ट डबल, शॉर्ट के लिए नेक्स्ट शॉर्ट मिल जाएगा, बाइट के लिए नेक्स्ट बाइट, कैमल केस याद रखना है सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल, इवन बुलियन के लिए नेक्स्ट बुलियन. एंड अगर एक स्ट्रिंग में अगर आपको स्पेस भी अगर चाहिए सो मेथड में नेक्स्ट लाइन. देन सारे मेथड्स आ गए. ऑब्वियसली डबल का रिटर्न डेटा टाइप डबल, शॉर्ट का रिटर्न डेटा टाइप शॉर्ट, इसका रिटर्न डेटा टाइप होगा शॉर्ट, इसका रिटर्न डेटा टाइप है बाइट, बुलियन एंड इट इज नथिंग बट स्ट्रिंग. ठीक है चलो सबको कॉल कर लेते हैं वन बाय वन. चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. फ्लोटिंग नंबर रीड करने के लिए मेथड नेम क्या है, नेक्स्ट फ्लोट एंड उसको हम लोग बी में स्टोर कर लेते हैं. इंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड इंटर अ स्ट्रिंग, मेथड नेम क्या लिखा है नेक्स्ट, इसको हम लोग सी में स्टोर कर लेंगे. इंटर अ डबल नंबर, मेथड नेम क्या रहेगी नेक्स्ट डबल, चलो स्टोर कर लेते हैं डी में. किसी भी मेथड को कॉल करना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करके रखा है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, बाकी कुछ भी नहीं. स्टैटिक मेथड होता तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्लास नेम से हम लोग कॉल कर सकते हैं. सो लास्ट में बुलियन, एंटर बुलियन वैल्यू. सो जस्ट यहां पर क्या लिखा नेक्स्ट बुलियन. देन चलो वन बाय वन जितने भी नंबर हमने अभी रीड किया है सारे इनपुट्स को हम लोग प्रिंट कर देते हैं. चलो इंटीजर किसमें स्टोर किया, हमने ए में स्टोर किया. जस्ट कॉपी पेस्ट. फ्लोटिंग पॉइंट चलो स्ट्रिंग डबल
एंड बुलियन, डन। चलो इतना प्रिंट करके हम लोग देख लेते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी, नेम ऑफ फाइल इज माई इनपुट डॉट जावा, बैकग्राउंड में माई इनपुट डॉट क्लास बाइट कोड क्रिएट हो गया होगा। सो जस्ट जावा माई इनपुट वन बाय वन। अभी एंटर अ नंबर, इंटीजर नंबर एंटर करना है, कोई दूसरा नंबर एंटर करोगे रन टाइम एरर आ जाएगा। चलो पहले मैं सक्सेसफुली रन करके दिखाता हूँ। इंटीजर नंबर आ गया, चलो फ्लोट आ गया, स्ट्रिंग आ जाता है, डबल डबल के अंदर में 21.55 लिखा है एंड बुलियन वैल्यू ट्रू है फिर फॉल्स। आ गया सभी आंसर। अगर आपने रॉन्ग इनपुट अगर एंटर किया तब देखो, फॉर एग्जाम्पल एंटर अ नंबर और मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्रू, एरर देखो यहां पर रन टाइम एरर आ गया, लिखा है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे इस टाइप के रन टाइम एरर को हम लोग हैंडल करेंगे, देन। सो एक बार के लिए जस्ट कंसिडर करो हम लोग करेक्ट इनपुट एंटर करने वाले। सपोज 21 2.1 स्ट्रिंग समथिंग डबल एंड बुलियन, देन आंसर आ गया। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट एक स्ट्रिंग हम लोग रीड कर रहे हैं, बट स्ट्रिंग में अगर स्पेस अगर होगा तो मेथड नेम हमको नेक्स्ट लाइन यूज करनी पड़ेगी। चलो यूज करके दिखाता हूँ, बट उसको रीड करते समय एक प्रिकॉशन लेना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आने के चांसेस है। दिखाता हूँ आपको, सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है एस टी आर एंड देखो अगर मैं सबसे पहले अगर उस लाइन को रीड करता हूं, सब लोग ठीक से देखो, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एंटर अ लाइन एंड एसटीआर इक्वल्स टू स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया एस डॉट नेक्स्ट लाइन। अब ये एक लाइन रीड कर देगा एंड हम लोग उस लाइन को प्रिंट कर देते हैं। वेरिएबल नेम लिखा था str, कंपाइल एंड रन। चलो एंटर अ लाइन, सपोज मैं लिख रहा हूं NSG Academy, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर अ नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समथिंग डबल एंड बुलियन, आ गया सब कुछ आंसर। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग, मैं कोड को मॉडिफाई कर रहा हूं, अगर मैंने सीक्वेंस चेंज किया है नेक्स्ट लाइन का, चलो कहीं भी यहाँ पर सेंटर में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब देखो क्या प्रॉब्लम आएगा। सब कुछ वैसा ही है, जस्ट मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, एंटर अ नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एंटर अ स्ट्रिंग डबल, देखो लाइन एंटर अ लाइन उसने स्किप कर दिया एंड आगे के इनपुट को रीड करने के लिए चला गया एंड देखो वहां पर लाइन में कुछ भी नहीं है। ऐसा एरर आपने सी एंड सी प्लस प्लस में भी देखा होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जब हमने लिखा एंटर अ डबल नंबर, हमने नंबर एंटर किया और फिर हमने प्रेस किया एंटर, दैट इज नथिंग बट स्लैशन, जिसको उसने एक लाइन कंसिडर कर लिया एंड वो स्लैशन आगे के लाइन में स्टोर हो गया, इसीलिए उसने वहां पर स्किप कर दिया और वो आगे कंटिन्यू कर दिया। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर नहीं चाहिए तो या तो आप उस लाइन को सबसे पहले ही रीड कर लो, उसके पहले कुछ भी रीड नहीं करना है, वो तो एक नॉर्मल ऑप्शन हो गया, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी अगर नेक्स्ट लाइन अगर यूज कर रहे हो तो उसके पहले जस्ट एस डॉट नेक्स्ट लाइन ऐसा लिख देना है। इससे क्या फायदा होगा, देखो इसके पहले हम लोग एक डबल रीड कर रहे हैं, डबल नंबर कुछ भी नंबर रहने दो, जैसे हम लोग नंबर रीड करेंगे हम इंटरप्रेस करेंगे तब वो स्लैशन जो कि बफर में स्टोर हो जाता है वो यहां पर ये मेथड उस स्लैशन को स्टोर कर लेगा, तो जो भी बफर में होगा सब कुछ उसके अंदर में स्टोर हो जाएगा, उसको यूज नहीं करना है और फिर प्रोग्राम आगे एज इट इज कंटिन्यू चलेगा। रन करके दिखाता हूं, कंपाइल एंड रन, 21 2.5 समथिंग डबल एंटर, देखो अब वो एंटर हमने बफर से निकालकर हमारे मेथड में स्टोर कर दिया जिसको हमने यूज नहीं किया। अब आगे एनएसजी एकेडमी लिख देता हूं एंड बुलियन वैल्यू सपोज ट्रू, आगे सारे आंसर्स। सो दिस छोटा सा एक ट्रिक था। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अरे तो हमको पता ही है, हम एक अरे का डेटा यूजर से रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखेंगे एंड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा रीड करेंगे। चलो जी एडिट
सपोज माय इनपुट वन डॉट जावा, क्लास नेम है माय इनपुट वन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग समथिंग ब्रैकेट, अगेन स्कैनर क्लास यूज करना है। चलो अब शॉर्टकट टेक्निक, अगर आपने यहां पर इंपोर्ट स्टेटमेंट अगर नहीं लिखा एंड डायरेक्टली अगर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बना दिया, पहले एरर देख लो क्या है। जस्ट एक ही लाइन मैंने लिखा है, कंपाइल करता हूं माई इनपुट वन डॉट जावा, एरर आ गया। मैंने बोला था कैन नॉट फाइंड सिंबल होगा, देखो दो एरर आ गए यहां पर, फर्स्ट स्कैनर एस वहां पर कैन नॉट फाइंड सिंबल इक्वल टू न्यू स्कैनर अगेन कैन नॉट फाइंड सिंबल। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमको, उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग यूटिल पैकेज का स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। सो अगर इंपोर्ट अगर नहीं भी अगर लिखा, सो आपको कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर इज अ क्लास ऑफ यूटिल पैकेज ऑफ अनदर पैकेज दैट इज जावा, कंप्लीट पाथ लिख देंगे। यहां पे क्या होगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये सेकंड ऑप्शन आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, बट जनरली ऐसा कोई करता नहीं है, सब लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक अरे का प्रोग्राम देख रहे हैं। चलो एक अरे डिक्लेयर कर देता हूं, लास्ट टाइम हमने सिंटेक्स देखा था अरे का, अरे का साइज देखो उस कोड के अंदर में मैं 100-200 ऐसा लिख रहा था, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजर को पहले क्वेश्चन पूछेंगे इंटर हाउ मेनी नंबर्स, जितना यूजर बोलेगा हम उतना ही साइज का अरे का मेमोरी हम लोग एलोकेट करेंगे, सो मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। सो मैं यहां पर सबसे पहले एक इंटीजर एन लिख रहा हूं एंड चलो फर्स्ट आस्क यूजर एंटर साइज ऑफ अरे, देन एन इक्वल टू स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये जितना साइज बोलेगा हम लोग उतना ही अरे का मेमोरी एलोकेट करेंगे। देन जावा में अरे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है, तो हम लोग बताएंगे उतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अरे के नंबर्स रीड कर लेते हैं एंड देखते उसमें सॉर्टिंग कर लेंगे। चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एन एंटर, पहले मैं एक हेडिंग मैसेज लिख रहा हूं, सो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर एन की वैल्यू रहेगी 5 सो एंटर 5 नंबर्स मैसेज में आ जाएगा। एंड फिर यूजिंग फॉर लूप एक कंट्रोल वेरिएबल लगेगा, सो मैं आई डिक्लेयर कर लेता हूं, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। चलो अरे के अंदर में डेटा रीड करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट दैट इज एस एस डॉट नेक्स्ट इट, किसमें स्टोर करना है, अरे के अंदर में स्टोर करना है, अरे नेम क्या लिखा ए एंड इंडेक्स वाइज सो ए ऑफ आई, सो फर्स्ट नंबर रीड करेगा ए ऑफ 0 में स्टोर होगा, सेकंड नंबर रीड करेगा ए ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगा, थर्ड नंबर रीड करेगा ए ऑफ 2, लाइकवाइज एन टाइम्स डेटा रीड कर कर अरे के अंदर में स्टोर कर देगा। अगर प्रिंट कर कर देखना है तो मैं दिखाता हूं, चलो प्रिंट कर लेते हैं, ऑल नंबर्स आर एज फॉलोज, एडवांस फॉलो भी यूज कर सकते हैं, चलो एडवांस फॉलो भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लगाना है कोलन, राइट इन साइड अरे नेम, लास्ट टाइम बताया मैंने आप लोगों को अरे नेम क्या लिखा ए एंड इंटीजर अरे क्रिएट किया है, सो यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल रहेगा इंट, सो वन बाय वन इस अरे के अंदर में एक नंबर आएगा एक्स में स्टोर हो जाएगा, हम लोग प्रिंट करेंगे, सेकेंड नंबर आएगा हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एन एक्स। अगर सबकी टोटल निकालनी है तो टोटल भी निकाल देता हूं इसमें, सब सम इक्वल्स टू 0। यहां पर हम लोग डेटा तो रीड कर ही रहे, जैसे हम लोग डेटा रीड करेंगे मींस फर्स्ट नंबर हम लोग रीड करेंगे ए ऑफ 0 में स्टोर होगा, इमीडिएटली उसको सम के अंदर में ऐड कर देंगे, सम प्लस ए ऑफ 5। सो रीड फर्स्ट नंबर एड इन साइड सम, रीड सेकंड नंबर एड इन साइड सम, रीड थर्ड नंबर एड इन साइड सम, लाइकवाइज एन टाइम्स डेटा रीड एंड सम साइमल्टेनियसली एंड आफ्टर प्रिंटिंग एवरीथिंग। चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं, टोटल भी हम लोग प्रिंट कर लेंगे, टोटल इज क्या लिखा है सम, एवरेज निकालना होगा डिवाइडेड बाय एन कर देंगे,
एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, दैट्स इट। कंप्लीट एरे का कोड लिख लिया एंड देखते अभी क्या होगा। चलो कंपाइल माई इनपुट वन डॉट जावा, देन कोई एरर नहीं। सो माई इनपुट वन, इंटर साइज ऑफ अरे चलो हम लोग लिख लेते हैं 5। सो अभी 5 नंबर्स वन बाय वन स्कैनर क्लास को यूज करके हम डेटा रीड करेंगे कीबोर्ड से। सपोज 12, 23, 34, 45, 56, आगे सारे नंबर्स वन बाय वन प्रिंट किया, सबके टोटल निकाला एंड एवरेज भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। देन अरे का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अरे तो एज इट इज वैसा ही था, जस्ट हमने क्या किया यूजर से डेटा रीड करके उसमें स्टोर कर दिया। चलो अब इस अरे के अंदर में हम लोग एक्स्ट्रा एक आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ। रेडीमेड है लॉजिक, हम लोगों को खुद का यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी अरे के नंबर हमने यूजर से रीड किया है उसको हम लोग सॉर्टिंग कर देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। हमारे पास में यहाँ पर मेथड है, जावा के पास में अरेज नाम का एक रेडीमेड क्लास है, जैसा स्कैनर क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर में एज इट इज। जावा के पास में एक अरेज नाम का क्लास है, अरे विथ एस। चलो कोई भी क्लास अगर देखना ही है, एक ऑप्शन बता दो जावा पी। जावा पी यूज कर कर आप किसी भी क्लास के मेथड्स का सिंटेक्स देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्कैनर क्लास पहले दिखाता हूं। स्कैनर क्लास का सिंटेक्स क्या था, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। सो यहां पर स्कैनर क्लास के सारे मेथड्स आपके सामने में दिखते होंगे, जिसमें से देखो हमने नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट शॉर्ट, बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने सिलेक्टेड मेथड्स यूज किए एज इट इज। अरेज क्लास वो भी यूटिल पैकेज के अंदर में, सो जस्ट जावा पी जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज करना है। देन देखो बहुत सारे मेथड्स है, जिसमें से हम लोगों को फिलहाल में क्या करना है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के मेथड का नेम देखते चलो क्या है। आपको मेथड का सिंटेक्स रीड करते आना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न डेटा टाइप जो कुछ भी लिखा होगा। देखो बहुत सारे मेथड्स है आपके सामने में सॉर्ट दिखता होगा अभी। तो सबसे पहले मैं यहां पे देखो सॉर्ट एंड मेथड के पीछे में यहां पर क्या लिखा है स्टैटिक। इट मींस इस सॉर्ट मेथड को कॉल करने के लिए मुझे अरेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली अरेज डॉट सॉर्ट करके किसको सॉर्टिंग करके देगा, ये इंटीजर ब्रैकेट सबके लिए सेपरेट है, लॉन्ग ब्रैकेट, शॉर्ट ब्रैकेट, बाइट ब्रैकेट, सबके मेथड्स अवेलेबल है। मतलब मेथड ओवरलोडिंग किया हुआ है यहां पर। तो हम लोग ये सॉर्ट मेथड को यूज कर लेते हैं। अगर बाइनरी सर्च अगर करना होगा तो बाइनरी सर्च की भी मेथड है यहां पर। देखो बाइनरी सर्च सी प्रोग्रामिंग में यूज किया हुआ एंड बाइनरी सर्च के भी पहले क्या लिखा है स्टैटिक, इसको भी कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चलो सॉर्ट मेथड का सिंटेक्स देख लिया हम लोगों ने। चलो क्लियर द स्क्रीन। चलो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो अनदर शॉर्टकट, जैसा स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए मैंने यहां पर कंप्लीट पाथ लिखा है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। सो अगर ये नहीं लिखना है हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब अरेज क्लास भी इंपोर्ट करना है, सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज। अब देखो अगर हमने 100 क्लासेस यूटिल पैकेज की अगर यूज किए तो हमको 100 टाइम्स इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोगों को, इसको कमेंट बना देता हूं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या लगाना है स्टार। सो इससे क्या फायदा हुआ, यहां पर स्टार का मीनिंग है ऑल क्लासेस, मतलब यूटिल पैकेज के जितने भी क्लासेस होंगे हम लोग एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब सारे क्लासेस, अब हमने क्या यूज किया स्कैनर एंड अरेज, दोनों भी जावा को यूटिल पैकेज के अंदर में मिल जाएगा। सो अगर जब एक ही पैकेज के बहुत सारे क्लासेस यूज करना होगा तब आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करना हम लोगों को। सो मेथड नेम क्या है सॉर्ट, किसकी मेथड है अरेज क्लास की, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, स्टैटिक मेथड है। सो अरेज डॉट सॉर्ट,
एंड हमारे आरे का नेम क्या, ए, जस्ट इसको पास करना है, देन एंड फिर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बिफोर सॉर्टिंग, एंड यहां पर लिख देते हैं आफ्टर सॉर्टिंग। देखो एक ही प्रोग्राम के अंदर में हमने बहुत सारे मिनी कोड लिख दिया है, अरे का नंबर है, स्कैनर क्लास से रीड किया एंड एडवांस फॉलो भी यूज कर लिया, सॉर्टिंग भी कर लिया, अरे क्लास का यूज किया हम लोगों ने, प्लस इंपोर्ट स्टेटमेंट का भी सिंटेक्स देख लिया। चलो बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग कंपाइल माई इनपुट वन डॉट जावा, जस्ट जावा माई इनपुट वन, एंटर साइज ऑफ अरे सपोज 5, सपोज 12, 88, 56, 34, 22। आगे डेटा सॉर्ट होकर 12, 24, 34, 56, 80, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले मेथड के थ्रू हम लोग प्रोग्राम कर कर देखेंगे। एक्सेप्ट मेथड में स्कैनर क्लास के थ्रू डेटा रीड करना है, डिस्प्ले मेथड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट करेंगे। फिर एज इट इज हम लोग स्कैनर क्लास को यूज कर कर कीबोर्ड से डेटा रीड करेंगे एंड कंस्ट्रक्टर या फिर सेटर के थ्रू डेटा हम लोग पास करेंगे। देखते हैं चलो। सो जी एडिट सपोज माई इनपुट टू डॉट जावा, क्रिएट वन क्लास स्टूडेंट एंड वन एक्स्ट्रा क्लास सपोज टेस्ट स्टूडेंट हैविंग मेन मेथड स्ट्रिंग एचजीएस समथिंग। मेन मेथड स्टूडेंट क्लास के अंदर में लिखा तो भी चलेगा, बट फिर भी हम लोगों को मेन मेथड के क्लास को सेपरेटली लिखना चाहिए। सो क्लास हैविंग मेन मेथड इज कॉल्ड मेन क्लास एंड इसको हम लोग वर्किंग क्लास बोल सकते हैं, देन स्टैंडर्ड वे। चलो स्टूडेंट क्लास के अंदर में कुछ मेंबर्स लिख लेते हैं, डेटा हिडन होना चाहिए, सो प्राइवेट मेंबर्स, चलो रोल नंबर, नेम एंड फ्लोट मार्क्स ले लेते हैं, देन स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। चलो स्टूडेंट एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, सो एस टी के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा एंड उसके अंदर में रोल नंबर नेम एंड मार्क्स हम लोग स्टोर करेंगे। कीबोर्ड से डेटा रीड करना है, सो डेटा रीड करने के लिए मैं यहां पर एक मेथड लिख रहा हूं, सपोज मेथड नेम इज एक्सेप्ट, एंड डेटा प्रिंट करने के लिए एक्स्ट्रा मेथड है, चलो डिस्प्ले लिख लेते हैं, देन वन बाय वन दोनों मेथड को कॉल करना है, सो एस टी डॉट एक्सेप्ट एंड एस टी डॉट डिस्प्ले। सो हम लोग एस टी के थ्रू एक्सेप्ट को कॉल कर रहे हैं, सो यहाँ पर रोल नंबर नेम एंड मार्क्स एस टी के ही हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट से आप मेथड को कॉल करोगे उसी ऑब्जेक्ट के मेंबर्स यहाँ पर रीड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। चलो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सो जस्ट स्कैनर सपोज एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड कीबोर्ड से डेटा रीड करना है, इसके लिए विद इन पैरेंथेसिस सिस्टम डॉट इन इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, चलो स्टार ही लिख लेते हैं, ठीक है, यूटिल के सारे क्लासेस हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड एक एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, जावा का डिफॉल्ट पैकेज होता है लैंग पैकेज, जो कि ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के अंदर में आ जाता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है। इस लैंग पैकेज के अंदर के क्लासेस का नेम हम सिस्टम क्लास जो यूज करें, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सो वो सिस्टम एक क्लास है जो कि लैंग पैकेज के अंदर में, इवन स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ क्लास विच इज इनसाइड लैंग पैकेज। सो इसीलिए जावा के हर प्रोग्राम में लैंग पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। सो जस्ट एस सी ऑब्जेक्ट को यूज कर रोल नंबर नेम मार्क्स हम लोग रीड कर लेते हैं। चलो एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्कैनर ऑब्जेक्ट इज एस सी, मेथड नेम नेक्स्ट इंट इंटीजर के लिए, एंड इसको रोल में स्टोर कर देता हूं। किसका रोल नंबर, करंट ऑब्जेक्ट का रोल नंबर जो कि हमारे केस में एस टी है,
चलो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंड रीड द नेम एंड मार्क्स। नेम के लिए नेक्स्ट, स्टोर इनसाइड नेम, मार्क्स दैट इज फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट। एंड प्रिंट कर देते हैं, चलो यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, रोल नंबर, किसका रोल नंबर, करंट ऑब्जेक्ट का रोल नंबर दैट इज एसटी। चलो मार्क्स एंड नेम, देन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चलो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। कंपाइल माई इनपुट टू डॉट जावा, क्या सिली मिस्टेक कर दिया हमने, आई थिंक कुछ ब्रैकेट मिसिंग कर दिया है डिस्प्ले में, अरे पैरेंथेसिस ही नहीं लगाया। चलो ठीक है, कंपाइल एंड रन करने के लिए, अभी अब फाइल नेम था माई इनपुट टू डॉट जावा, हमने कंपाइल कर दिया। बैकग्राउंड में हमने दो क्लासेस लिखा, एक स्टूडेंट क्लास और एक टेस्ट स्टूडेंट, जिसमें से मेन क्लास का नेम क्या था, टेस्ट स्टूडेंट। देन एंटर, रोल नंबर, नेम एंड सपोज मार्क्स इज 99.99। आगे आंसर, डेटा रीड कर लिया हम लोगों ने यूजिंग एक्सेप्टेंट डिस्प्ले। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजर से डेटा तो रीड करना ही है, बट हम लोग कंस्ट्रक्टर या फिर सेटर्स के थ्रू डेटा हम लोग पास करेंगे। जी एडिट, सो माई इनपुट थ्री डॉट जावा, सपोज क्लास नेम, चलो एम्प्लॉय क्लास ले लेते इस बार, एंड अनदर क्लास सपोज टेस्ट एम्प्लॉय, हैविंग मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक और स्टैटिक पब्लिक, स्ट्रिंग समथिंग ब्रैकेट। चलो इस बार मैं यहां पर दो ही मेंबर लेता हूं, आईडी एंड सैलरी ले लेते, चलो ठीक है। एंड एम्प्लॉय क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, देन एंड हमको क्या करना है, मेन मेथड के अंदर में डेटा रीड करना है। सो मेन मेथड के अंदर में मैं यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ऑब्वियसली कीबोर्ड से डेटा रीड करना है, सो सिस्टम डॉट इन, इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग यहां पर जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, एंड यहां पर मैं सेटर्स एंड गेटर्स बना देता हूं। सो पब्लिक वॉइड सेट आईडी, यूजर से डेटा रीड करके सेट आईडी को पास करना है, सेट आईडी आईडी सेट कर देगा, पब्लिक वॉइड सेट सैलरी, चलो अब डेटा रीड कर लेते हैं, कुछ टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, सपोज टी आईडी एंड टी सैलरी, सो डेटा रीड करेंगे अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर आईडी एंड सैलरी, चलो एक ही लाइन में लिख देता हूं। एंड स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नेम क्या लिखा है, एससी, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड सैलरी के लिए टेम्पररी वेरिएबल लिखा है टी सैलरी, सो एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, एक इंटीजर और एक फ्लोट नंबर आ गए। अब बस हमको क्या करना है, हमने जो भी ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किया है, चलो इसको यहां पर लिख देता हूं, हमने ई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब इस ई ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सेट आईडी को हमने जो भी इंटीजर नंबर रीड किया उसको पास करना है। सपोज आईडी रीड किया होगा 111, सो 111 हम लोग यहां पर पास करेंगे, यहां पर टेम्पररी वेरिएबल सपोज एक्स के अंदर में स्टोर हो जाएगा, एंड फाइनली हम लोग आईडी के अंदर में डेटा स्टोर करेंगे। किसका आईडी, हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया ई, उस ई के आईडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 111 सपोज एज इट इज। चलो हमने एक फ्लोट भी रीड किया है, सो ई डॉट सेट सैलरी मेथड कॉल करना है, एंड इसको वही फ्लोट का नंबर पास करना है,
सो ये फ्लोट नंबर हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, सपोज टेम्पररी वेरिएबल नेम में y, एंड हम लोग हमारे सैलरी के अंदर में इसको कॉपी कर देंगे। क्लियर? टोटल कितने टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट किया? देखो सेट आई डी एंड सेट सैलरी के अंदर में x एंड y टेम्पररी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। मेन मेथड के अंदर में दो टेम्पररी वेरिएबल, दो लोकल वेरिएबल, टी आई डी एंड टी सैलरी। मेन मेथड से डेटा रीड कर कर हमारे मेथड्स को पास करना है, एंड हमारे मेथड क्या करेगी, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा में स्टोर करेगी। क्लियर? अगर बाय मिस्टेक, चलो अगर आपने यहाँ पर x की जगह अगर आईडी लिखा तो यहाँ आईडी लिखना पड़ेगा। टू अवॉइड कन्फ्यूजन हमको क्या लिखना है, दिस डॉट आईडी, मतलब करंट ऑब्जेक्ट जो कि हमारे एग्जाम्पल में ई, सो करंट ऑब्जेक्ट की आईडी में हमने जो भी पास किया उसको स्टोर कर देगा। एज इट इज अगर यहाँ पर लिखा होगा अगर सैलरी, तो ऑब्वियसली यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, सैलरी। सो हमारे करंट ऑब्जेक्ट, जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उसकी सैलरी के अंदर में पास्ट डेटा उसके अंदर में सेट कर देगा। देन सेटर्स के थ्रू हमने डेटा पास किया, अब बस क्या करना है, अगेन डेटा को रिटर्न लेके आते हैं यूजिंग गेटर्स। जैसा सेट आई डी एंड सेट सैलरी लिखा है वैसे ही क्या करना है, गेट आई डी। जावा का स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन याद रखना है, कैमल केस, नेक्स्ट इंट, सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो मैंने भी यहां पर देखो सेट आईडी सेकेंड वर्ड क्या लिखा है, कैपिटल। और एक मेथड क्या लिखनी है, पब्लिक गेट सैलरी। रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, ये इंटीजर रिटर्न करेगा, सो रिटर्न डेटा टाइप इंट। जस्ट यहां पर रिटर्न आईडी, किसकी आईडी, करंट ऑब्जेक्ट। सो कंफ्यूजन नहीं होगा तो यहां पर लिख देता हूं मैं दिस, जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा जिसके थ्रू हम लोग गेट आईडी को कॉल करेंगे उसी का आईडी ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। गेट सैलरी ऑब्वियसली फ्लोट रिटर्न करेगा, सो रिटर्न दिस डॉट सैलरी। देन सेटर्स एंड गेटर्स, सो जस्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, गेट आईडी एंड गेट सैलरी कॉल कर देते। ऑब्जेक्ट का नेम हमने लिखा ई, चलो शॉर्टकट प्रिंटलन मेथड से लिख देता हूं यहां पर, आईडी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज ई, ई डॉट गेट आई डी मेथड को कॉल करना है। सो जो भी आई डी हमने पास किया था उसी आई डी को ये रिटर्न करेगा और यहां पर प्रिंट हो जाएगा एज इट इज सैलरी ई डॉट गेट सैलरी। देन सेटर्स एंड गेटर्स, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय क्लास का एंड उसका डेटा रीड किया मेन मेथड में, हमने पास किया सेटर्स के थ्रू और फिर उसी को गेटर्स के थ्रू रिटर्न लाकर अब हम लोग प्रिंट करने वाले। जस्ट जावा सी माई इनपुट थ्री डॉट जावा, नेम ऑफ मेन क्लास हमने क्या लिखा है, टेस्ट एम्प्लॉय। इंटर आईडी एंड सैलरी, सपोज 111 एंड 21,000 आ गया आंसर, सिंपल। अब हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोग डेटा को कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर देखेंगे। तो उसी कोड में चेंजेस कर देता हूं, यहां पर हमारे पास में सेटर्स एंड गेटर्स है, चलो अब मैं इसको कर देता हूं कमेंट, या फिर कमेंट नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्रोग्राम के अंदर में सेटर्स एंड गेटर्स है बट हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। चलो ये मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं, मैंने सेटर्स एंड गेटर्स यूज नहीं किया, लिखा है बट यूज नहीं किया। एक्स्ट्रा फीचर्स है हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर लिखने वाला हूं। कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट सेम एज क्लास नेम विदाउट एनी रिटर्न डेटा टाइप, ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हमने नहीं भी लिखा तो जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो देने ही वाला है जो कि ऑलवेज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है। चलो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग आईडी एंड सैलरी पास करेंगे, सपोज इंटीजर एक्स एंड फ्लोट वाई। जो भी इंटीजर एंड फ्लोट हम लोग पास करेंगे उसको आईडी के अंदर में एंड सैलरी के अंदर में स्टोर कर देंगे। किसकी आईडी एंड सैलरी, जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी की आईडी सैलरी। चलो मैं यहां पर दिस लिख देता हूं, करंट ऑब्जेक्ट की आईडी एंड सैलरी में हम जो भी नंबर पास करेंगे वो स्टोर कर देगा। चलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए एक पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सब एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय।
जहां पर राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करें, कंस्ट्रक्टर कॉल करें, एंड यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमने रीड किया है टी आई डी एंड टी सैलरी, हम लोग इसको पास करेंगे। सो जैसे ही यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमने जो भी नंबर रीड किया है वो नंबर हम यहां पर पास करेंगे, एंड एक्स एंड वाई में डेटा स्टोर होगा, एंड फाइनली इवन ऑब्जेक्ट की आईडी एंड सैलरी के अंदर में डेटा स्टोर हो जाएगा। चलो फिर उसको प्रिंट करने के लिए मैं एक डिस्प्ले मेथड लिखने वाला हूं, सो मैं डिस्प्ले मेथड कॉल कर देता हूं। गेटर्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, चलो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, देन यहां पर प्रिंट कर लेते हैं। गेटर से हम लोग रिटर्न कर रहे थे, मेन मेथड में प्रिंट किया था, अब ये यहीं पर प्रिंट करेंगे। आईडी करंट ऑब्जेक्ट की आईडी प्रिंट कर देना है, यहां पर करंट ऑब्जेक्ट की सैलरी हम लोग प्रिंट करेंगे। देन चलो एज इट इज, अगर दो ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना होगा सो जस्ट क्या करेंगे, इसी को एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, फिर से आईडी सैलरी रीड करना है, वही टेम्पररी वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट E2, एंड इसको फिर से न्यू आईडी एंड न्यू सैलरी हम लोग पास करेंगे। फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सपोज इस बार आपने एंटर किया 222 एंड 31,000, सो 222 एंड 31,000 कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डेटा पास करेंगे, एंड करंट ऑब्जेक्ट जो कि E2 रहेगा इस बार, E2 की आईडी एंड सैलरी के अंदर में स्टोर कर देंगे, एंड देन E2 डॉट डिस्प्ले। ऐसे कितने भी टाइम्स हम लोग मल्टीपल इसको रिपीट कर सकते हैं। चलो रन करके देख लेते हैं, जस्ट कंपाइल, एंड नेम ऑफ मेन क्लास हमने क्या लिखा था, टेस्ट एम्प्लॉय, चलो आईडी एंड सैलरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, आगे आंसर, चलो सेकेंड ऑब्जेक्ट, डेटा हमने मेन मेथड में रीड कर कर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने पास किया है, क्लियर, सेटर्स के थ्रू पास कर दिया है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हमने डेटा पास कर दिया। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा, स्कैनर क्लास का कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में जावा में अरे ऑफ स्टूडेंट्स या फिर अरे ऑफ एम्प्लॉयज का एग्जांपल लेंगे, उसके सारे मेंबर्स हम लोग रीड करेंगे एज इट इज। आज जैसे हमने तीन टेक्निक देखा था, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले के थ्रू, या फिर सेटर्स एंड गेटर्स, या फिर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्प्ले के थ्रू हम लोग डेटा रीड एंड प्रिंट करने वाले। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।